जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लोकसभा से संबंधित सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे। तो आपसे अनुरोध होगा कि इस वीडियो को अंत तक बने रहें। और इससे पहले हम पॉलिटी से काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति वाला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर वीडियोज़ देख लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो न्यूनतम आयु सीमा हो जाएगा 25 ईयर, याद रखिएगा। अनुच्छेद की बातें करेंगे, 84 के ख के तहत जो है लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए, राज्यसभा में आपका हो जाएगा 30। तो इसको याद रखिएगा, लोकसभा में आपका बनने के लिए 25 हो जाएगा, राज्यसभा में 30 हो जाएगा। इस तरह से पीएम भी बनने के लिए आपको मिनिमम जो एज होगा वो 25 ईयर फुलफिल करना होगा, तो आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नामांकन पत्र हो जाएगा, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, यदि लोकसभा का निर्वाचन के लिए किसी कोई भी नाम पत्र करना चाहता है तो मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र से पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। याद रखिएगा, वर्ष 2003 से जो है सरकार द्वारा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए ऐसी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि वह प्राप्त नहीं करता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6, इसमें कोई नहीं दिया है इसमें, इसका आंसर ही हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हो, यदि कोई भी प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तब उसकी उम्मीदवारी यानी जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा, 1/6 होगा, इसमें कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, सब गलत ऑप्शन दिया हुआ है। 1/6 जो है वैध मत, उसको पाना जरूरी होगा, नहीं तो वह जमानत अपना खो देगा, जब्त हो जाएगा, जमानत इसका जब्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकसभा में राज्य वर्ष सीटों के आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 तक हो जाएगा, जो 26 तक है मतलब 26 तक राज्य वर्ष जो सीटों का जो आवंटन का निर्धारण है वो 26 तक संशोधन नहीं किया जाने का प्रावधान है, तथा 1971 का जो जनगणना है उसी के बेसिस पर यह आधार तैयार हुआ है। तो इसको भी याद रखिएगा, 1971 के जनगणना के आधार पर 2026 तक सीटें जो हैं लोकसभा हो राज्यसभा में सीटें फिक्स किया गया है। यह जो अमेंडमेंट हुआ था, ये जो अमेंडमेंट आपका था 84th अमेंडमेंट था, आप इसको भी याद रखिएगा, 84th अमेंडमेंट के तहत जो है 2026 तक जो है सीटें जो हैं लोकसभा में फिक्स कर दिया गया है 1971 के जनगणना के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कुल सदस्य सीटों की संख्या जो निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है, ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष हो जा होगा 26 तक, अभी हम बात किए थे 26 तक जो है सीटें बदली नहीं जाएंगी, 26 तक यथावत बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। तो हो जाएगा आपका 31st अमेंडमेंट हो जाएगा, ये वादरा याद रखेंगे आप। 31वां संविधान संशोधन के तहत पहले संख्या लोकसभा में 525 था, इसे बढ़ाकर 545 कर दिया गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है लोकसभा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा,
लोकसभा की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आइटेंस हो जाएगा 543 हो जाएगा इसका भी, प्रेजेंट में जो संख्या है 543 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्य के हैं? तो याद रखिएगा राज्य की बातें होएगा तो 530 हो जाएगा। 530 जो मेंबर होते हैं वह राज्यों से होते हैं, और 20 जो मेंबर होते हैं वो होते हैं संघ से, संघ शासित प्रदेशों से होते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, 530 जो होते हैं डायरेक्ट वह चुन के आते हैं राज्यों से, 530 सदस्य होते हैं, और 20 जो होते हैं संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होना के लिए तय सीटें की गई हैं 20 सीटें। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, तो कुल हो जाएगा 550 हो जाएगा, और 2 सीट इसमें होता है आपका एंग्लो इंडियन का। तो इस तरह से कुल टोटल सीटें की हम बात करेंगे तो मैक्सिमम 552 होगा इसका राइट आंसर। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितने हो सकता है? तो हो जाएगा 20, अभी हम बात किए थे। 530 जो मेंबर होते हैं वह डायरेक्ट लोकसभा में चुन के आते हैं, 20 जो मेंबर होते हैं वह राज्य संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होना के लिए तय किया गया है। तो ये हो गए 20 हो जाएंगे 530 प्लस 20 हो जाएगा, और प्लस 2 होता है एंग्लो इंडोनेशिया। इस तरह से 552 जो है मैक्सिमम अभी लोकसभा में चुने जा सकते हैं व्यक्ति, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अभी फ़िलहाल की बातें करेंगे तो फ़िलहाल आपका है 543 सीट है, फिलहाल 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन आधारित है वह, इसको ध्यान रखिएगा, 1971 के जनगणना के बेसिस पे ही सारी सीटें जो भी है लोकसभा में हम देखते हैं, जितने भी राज्य में जो सीटें तय की गई हैं इसी के आधार पे किया गया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, जनगणना 1971 के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो इसको नहीं है पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। देखिए जो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, इसमें हो जाएगा केरल और तमिलनाडु, और भी कुछ राज्य हैं देख लीजिए आप एक बार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीट जो है आरक्षण नहीं है। तो आप इतना राज्य को ध्यान में रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 है अभी फिलहाल। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद आप याद रखिएगा, ये वाला अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 330। लोकसभा में अनुच्छेद 330 के जो तहत है अनुसूचित जनजातियों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 मतलब 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो हो जाएगा आपका MP में हो जाएगा, या देखिएगा MP में 6 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, बाकी बिहार UP में 1 भी सीट नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित 330 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 330(1) के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आप इस अनुच्छेद को काफ़ी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 330 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की जो शक्ति है किसके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद इसका याद रखिएगा, अनुच्छेद इसका इम्पोर्टेंट है 331। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो उस कंडीशन में जो है अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन 2019 के अनुसार जो है अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी बात याद रखिएगा, इसको समाप्त कर दिया गया है कहा जाएगा 104वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां और 31वां जो है संविधान संशोधन जो है यह जो है आपका लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित अमेंडमेंट किया गया था, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आप ये भी ध्यान रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और लोकसभा का जो सदस्यों की जो संख्या है 520 फिक्स किया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, इसके तहत 520 जो है सीट जो है निश्चित किया गया था। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा की जो हो गया सदस्यों की संख्या 543 निश्चित किया गया था, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद हो जाएगा 85(2) के ख के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सिफारिश होना बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कम से कम आपका हो जाएगा 2 सत्र तो होना ही होना है एक वर्ष में। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो आप इसको याद रखिएगा, लोकसभा के एक सत्र का जो अंतिम बैठक हुआ और आगामी सत्र का जो प्रथम बैठक होगा उसके बीच का जो गैप होगा 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। तो इस प्रकार लोकसभा में कम से कम साल में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं, कम से कम 2 सत्र तो होना ही होना है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, मतलब एक सत्र से दूसरा सत्र के बीच में गैप जो होगा 6 माह से अधिक नहीं होगा किसी भी कीमत पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। अनुच्छेद 100(3) के तहत जो है लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी गणपूर्ति जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है, मुख्य विपक्ष दल की मान्यता हेतु भी यही आंकड़ा जो है सही संख्या जो है आवश्यक है, तो आप इसको याद रखिएगा, यदि लोकसभा हो या राज्यसभा हो हाउस चलाने के लिए एक कोरम एक संख्या एक जो 1/10 का जो संख्या है कुल संख्या का 1/10 होना अनिवार्य तभी हाउस चलेगा। यही सेम जो संख्या है आपको विपक्ष दल का नेता के रूप में विपक्ष दल के रूप में बैठने के लिए आपको कम से कम 1/10 भाग आपको जितना अनिवार्य होता है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, स्थगन के द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है, सत्रावसान के द्वारा भी और विघटन के द्वारा भी, तो इसको ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो बैठक होता है स्थगन सत्रावसान तथा विघटन के द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा तक होता है, स्थगन जो होता है
वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है, जबकि छत्रावसान एवं विघटन जो होता है, प्रक्रिया जो होता है, वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। विघटन और छत्रावसान जो होता है वह आपका प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये होता है लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का जो कार्यकाल होगा आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, यह स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 43(2) के अनुसार जो है लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान एक बार में एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमपी के सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो याद रखिएगा, यदि 2 महीने तक यदि कोई भी एमपी लगातार अब्सेंट रहता है हाउस से, तो उसकी जो सदस्यता है ख़त्म किया जाता है, तो उसकी सीट जो है रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यह जो है अनुच्छेद आपका 101(4) के तहत ये बातें कही गई है, तो आप याद रखिएगा, 60 दिन यदि बिना बताए हाउस से यदि आप अनुपस्थित रहते हो तो इस कंडीशन में आपका सीट को खाली यानी रिक्त घोषित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। देखिए, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि कहाँ से, किस स्टेट से जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका जो हो जाए 80 सीट, इसको याद रखिएगा, 80 जो सीट है लोकसभा के लिए रिजर्व है यानी फिक्स है, यहाँ से 80 जो होते हैं आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी चुन के लोकसभा में जाते हैं, तो आप सबसे अधिक संख्या की बातें होगा तो वह यूपी हो जाएगा। यूपी काफ़ी बड़ा राज्य भी है आपका, क्षेत्रफल के हिसाब से तो नहीं लेकिन जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। इस तरह से सबसे अधिक जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की होगी, तो आप इसको याद रखिएगा। वहीं हम दूसरे स्थान पर बात करेंगे, सेकेंड पे, ये तो फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड पे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा 48 सीट, महाराष्ट्र में आपका 48 हो जाएगा। थर्ड पे आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपका हो जाएगा 42। आपका फोर्थ में हो जाएगा बिहार 40, और एमपी की हम बातें करेंगे तो एमपी में आपका हो जाएगा 29। इस तरह से आप देख लीजिए, सबसे अधिक यदि लोकसभा में कोई प्रतिनिधि भेजता है तो वह राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ से 80 लोकसभा के मेंबर चुन के जाते हैं। सेकंड पे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आपका 48 मेंबर चुन के जाते हैं यानी 48 सीटें वहाँ पे हैं। थर्ड में हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से आपका 42 जो है एमपी वहाँ से चुन के लोकसभा में जाते हैं। फोर्थ में हो जाएगा आपका बिहार, बिहार से आपका 40 जो है सीटें रिजर्व हैं लोकसभा के लिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव जो हो जाएगा 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था, तो यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा जो सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 31 मई 1952 को हुआ था, तो आप ये जो डेट है आपका पहली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 52 हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है, मतलब आप यदि चुनाव लड़ रहे हो तो अपने क्षेत्र से कम अधिक सॉरी अधिक से अधिक कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो, तो उसका जो सीमा हो जाएगा लोकसभा में आपका 70 लाख हो जाएगा। यह पहले 40 लाख हुआ करता था, अभी से बढ़ाकर जो है 2014 में 70 लाख रुपये कर दिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, एक एमपी जो है अपने क्षेत्र में जहां चुनाव लड़ रहा हो 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। वहीं छोटी राज्यों की बात करेंगे तो छोटी राज्यों में 22 लाख से बढ़ाकर 54 लाख रुपये कर दिया गया है, ये 70 लाख जो है बड़े राज्यों की बात करता है। वहीं छोटी राज्यों की बात करेंगे तो पहले 22 लाख हुआ करता था, अब वहाँ पर 54 लाख रुपये खर्च किया जा सकता है। वहीं हम विधानसभा की बातें करेंगे तो विधानसभा में निर्वाचित क्षेत्र के लिए 16 लाख रुपए पहले हुआ करता था, अब बढ़कर ये हो गया 28 लाख। याद रखिएगा, अभी 28 लाख रुपया जो है आप विधानसभा में आप खर्च कर सकते हैं चुनाव लड़ने के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा का कार्यकाल जो है लगभग 6 वर्ष का था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी लोकसभा। देखिए ये तो 1971 से लेके 77 तक था, कुल मिला के 5 वर्षों तक ये चला था, तो इसको याद रखिएगा पांचवी लोकसभा का जो कार्यकाल था लगभग पांचवी लोकसभा का जो कार्यकाल था लगभग छः वर्षों का था, जिसमें 19 मार्च 1971 से लेकर 18 मार्च 1977 तक था। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता आपका प्रधानमंत्री होता है, आप इसको याद रखिएगा। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वही राष्ट्रपति के द्वारा होता है जो बहुमत दल का, लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा सीटें पाता है, जो बहुमत दल का नेता होता है आप वही प्रधानमंत्री चुना जाता है अनुच्छेद 75(1) के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा मतलब क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख सबसे काफ़ी बड़ा है आपका क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र में। और वहीं सेकेंड स्थान पर हम बात करेंगे, सेकेंड स्थान पर हो जाएगा आपका बाड़मेर हो जाएगा। थर्ड पर बात करेंगे तो कच्छ है। टॉप थ्री याद रखिएगा, पहला हो जाएगा आपका लद्दाख, दूसरा हो जाएगा बाड़मेर राजस्थान, कच्छ हो जाएगा गुजरात। इस तरह से टॉप थ्री याद रखिए, जन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? इसको आप याद रखिएगा, स्पीकर जो होता है वह अपना पद का शपथ नहीं लेता है, बल्कि वह एक सदस्य मतलब एक एमपी के रूप में आप जो इससे पहले ही वह शपथ ले चुका होता है, एक सांसद के रूप में वह लोकसभा में शपथ पहले ही ले चुका होता है, स्पीकर के रूप में वह कोई शपथ ग्रहण नहीं करता है। तो इसको याद रखिएगा, स्पीकर के रूप में ग्रहण नहीं करता है, बल्कि एक सांसद के तौर पर वह शपथ पहले ही ले चुका होता है। इस तरह से स्पीकर जो है स्पीकर के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का जो स्पीकर होता है मतलब अध्यक्ष होता है वह चयनित किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, चयनित किया जा सकता है, स्पीकर जो होता है वह लोकसभा का वो प्रथम बैठक में सभी सदस्यों मिलकर एक लोकसभा का स्पीकर का चयन करते हैं, तो यह प्रक्रिया जो है चयनित किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है, इसको याद रखिएगा, निर्वाचन जो होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित एक संकल्प के द्वारा लोकसभा के स्पीकर को सिंपली हटाया जा सकता है उसके पद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। नव निर्वाचित सदन के लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के चुनाव से पूर्व जो सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। तो आप इसको याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर जो होता है जो नव निर्वाचित जो लोकसभा का जो मेंबर चुन के आते हैं उनको शपथ दिलवाने का काम करता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जब सारे को शपथ दिला जाता है तो उसके बाद लोकसभा का जो पहला बैठक होता है उसमें जो है आपका लोकसभा का स्पीकर को चुनाव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 100 के तहत जो है स्पीकर जो होता है लोकसभा का अपने कास्टिंग मतलब जो वोट करता है वो कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का प्रयोग तभी करेगा जब किसी भी परिस्थिति में पक्ष एवं विपक्ष का दोनों का जो वोट बराबर हो जाएगा, तो वह अपना कास्टिंग वोट यानी एक निर्णायक मत अपना देगा और उस चीज़ को वह सपोर्ट या अपना सपोर्ट नहीं देने के लिए पूरा स्वतंत्र होगा। तो उसका जो वोट होता है वो कास्टिंग वोट होता है, वो जब टाई हो जाता है उस कंडीशन में अपना वो कास्टिंग वोट स्पीकर करता है। तो इसको आप याद रखिएगा अनुच्छेद 100 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रक्रिया में
और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, अब 20 कर दिया गया, पहले 15 हुआ करता था, पहले 15 मतलब हुआ करता था, अब 20 कर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक जो है सदस्य जो है अपने मुद्दे को उठा सके और काम काज को और बेहतर बनाया जा सके। इस तरह से अब पहले 15 हुआ करता था, 20 हो गया है, प्रतिदिन 20 मतलब मामले उठाए जा सकते हैं लोकसभा में, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे जीवी मावलंगर, यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, इनको आप याद रखिएगा। 1952 से लेके 1952 में बने थे यह जीवी, मतलब गणेश वासुदेव मावलंगर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इनकी जो मृत्यु है 1956 में हो गई थी, तो इसको आप याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के जीवी मावलंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो हो जाएगा जीवी मावलंगर, याद रखिएगा यही थे। दिसंबर 1954 में आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों के द्वारा लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष मतलब गणेश वासुदेव मावलंगर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। लेकिन जो था इनके विरुद्ध में यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, मतलब लोकसभा इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो इसको भी याद रखिएगा, लोकसभा इसको अस्वीकृत कर दिया था इस प्रस्ताव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का जो सचिवालय होता है वह सीधे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है, आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थैंक यू दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल से जुड़ जाएँ। इसी तरह से अच्छी सी वीडियो यदि आपको देखना पसंद है, देखना चाहते हो, तो चैनल से आप जुड़ जाओ, काफ़ी यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम राज्यसभा से बनाएंगे, राज्यसभा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।